इस वक्त रात के 3:15 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। असल में दिन में थोड़ा सा मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, तो आज थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा मुझे। खैर, आज हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला हमारा शेप बिल्डर, सेकंड स्वाचेस और थर्ड ग्रेडियंट। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप बिल्डर टूल की। वो ये वाला होता है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, मैं अगर इसको समझाऊं आपको, देखिए इसके दो काम है। एक तो ये कि ये दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं और मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूं, तो ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये ग्रुप नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को रखूं साथ और दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर ऑन का बटन दबा कर, अब देखें, अच्छा मेरा माउस कर्सर पहले प्लस का निशान आ रहा है, जब मैं ऑन का बटन प्रेस करता हूँ तो उसमें माइनस का निशान बना हुआ है। अगर मैं इस पर ड्रैग करूँ ऑल दबा के, तो ये क्या करेगा, माइनस करेगा। सिंपल से अगर आप माउस कर्सर इस पर फेरेंगे क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस पर ड्रैग करेंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो अगर मैं ऑल के साथ दबाकर इस पर फेरूँ, तो ये उसको कट कर देगा, ठीक है। ये जो है ये शेडिंग के टाइम बड़ा यूज़ होता है, और ये मेरा तो समझ लें 80% मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये समझे हमारा बेस कलर है, ठीक है, इसको मैं, और इसके बाद मेरी लाइट सोर्स जो है ये मैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं शेप बिल्डर से क्या क्या करता हूँ, ठीक है। ये हमारी लाइट सोर्स है, मतलब ये एक बल्ब है या एक सूरज है, ये कह लें, ठीक है। इसकी रोशनी यहाँ पर पड़ रही है। अच्छा, अब मैं लेता हूँ पेन टूल अपना और यहाँ पर रैंडम लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ, मतलब मुझे सिर्फ इतना ऐसा चाहिए, अगर मैं पूरे को सिलेक्ट करूँ तो मैं चाह रहा हूँ जितना हमारा पीछे जो बेस कलर है उतने में ये कलर आ जाए, बाहर वाला ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर लेना है, ऑल का बटन दबाएँ। ये याद रखिए कि दोनों को सिलेक्ट रख लें, ठीक है, ऑल का बटन दबाएँ और ये बाहर पर क्लिक कर लें, तो आप देख सकते हैं ये हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा। मतलब मैं अभी खैर डिटेलिंग में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया। ऑल दबा के फेरेंगे तो ये माइनस करेगा, और नॉर्मल आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो एक शेप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। शेप बिल्डर हमारा हो गया। अब बात करते हैं अपने स्वाचेस के बारे में, इसको साइड में रखते हैं, अभी हमारे काम ही आएगा। तो अब देखें स्वाचेस ये है, अगर जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास यहाँ ना आ रहा हो तो विंडोज़ में जाएगा और स्वाचेस ये है, तो इसमें मेरा चेक लगा हुआ है, तो मतलब ऑलरेडी यहाँ पर है। तो स्वाचेस क्या होते हैं कि एक कलर है, जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँ तो देखिए इसके अंदर तकरीबन बहुत सारे कलर हैं। मुझे अपने एक ऑब्जेक्ट में वो कलर पिक करना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये रेड कलर इसके अंदर आ जाए। तो सिंपल आप पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और स्वाचेस में जाकर इस पर सिर्फ क्लिक कर दें, तो वो कलर पिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी क्लिक कर दें तो खैर सारे कलर इसमें पिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ऐसी कलर बना रहा हूँ, ये स्लाइडर के बारे में भी अभी समझाऊँगा। जैसे मुझे ये कलर अच्छा लगा है, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास सेव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा और यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। तो ये देखें ये वाला कलर हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और अगर डिलीट करना हो आपको तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पर देखें डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक। हमारा ये स्वाचेस कंप्लीट हो गए, और यकीन जाने इसके अलावा भी बहुत सारे स्वाचेस हैं हमारे पास। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें स्वाचेस की लाइब्रेरी खुल गई हमारे पास,
अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मज़ीद मेरे पास बहुत सारे कलर आ जाए। अगर मैं ऐसे यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह करके क्लिक करते रहें, ये चेंज होते रहेंगे। अब जैसे मुझे ये पूरी जो लाइन है ये कलर अच्छे लग रहे हैं, मैं क्या करूँगा सिर्फ इस फोल्डर पे जो फोल्डर बना हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे स्वाचेस के अंदर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पूरी लाइन लें, अगर जैसे आपको ये ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है तो आप पकड़ें इसको और यहाँ पर ला कर छोड़ दें तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी कलर स्लाइडर के बारे में। इसको देखें मैं फिर किसी क्लास में पूरे डिटेल में समझाऊंगा जिसके अंदर इसके मोड्स हैं। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये RGB, SSB, HSB और CMYK, ग्रे स्केल वगैरह ये सारी चीज़ें। फिलहाल तो हमारे इन तीनों पे ही काम होता है, इन सबको छोड़ दें। ये मैं बाद में एक जब कलर थ्योरी की क्लास देख रहा हूँ तब मैं आपकी इसकी फुल फॉर्म भी बताऊँगा और इन ये ज़्यादातर कलर कहाँ यूज़ होते हैं, कलर की कैटेगरी क्या है, तो मैं कलर थ्योरी में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल सिर्फ इन स्लाइडर को समझें। ठीक है, अब मैं जैसे एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जैसे ये, अब जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर के अंदर कलर चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर स्लाइडर चेंज हो गए, यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर स्लाइडर चेंज हो गए। देखिए स्लाइडर वो है जितने पॉसिबल कलर हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा कि इस कैटेगरी में ये कलर बन सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर ब्लू पे जाऊं तो देखें यहाँ के कलर चेंज होकर, फिर मैं यहाँ पे जाऊं तो मतलब यहाँ से आप मज़ीद कलर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जो आपको चाहिए। अभी देखें हम किस पे काम कर रहे हैं, RGB पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कलर मोड चेंज करूँ, HSB करता हूँ तो यहाँ पर चेंज होगी। ये मैं बाद में आपको समझाऊँगा सारी चीज़ें HSB क्या होता है, अभी सिर्फ स्लाइडर को समझें। और इसी तरह CMYK के अपनी मर्जी के आप कलर बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको अभी RGB पे रखते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ये कलर ये सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और सेकंड आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और स्लाइडर के बारे में बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तो मैं आपको पूरी थ्योरी इसकी बताऊँगा कलर की। चलिए अब बात करते हैं हमने ग्रेडियंट के बारे में। पहले मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अच्छा देखिए मैंने ऑलरेडी इसको खोल के रखा हुआ, ये रहा हमारा ग्रेडियंट। अगर ना रहो तो विंडोज़ में जाकर यहाँ पे ग्रेडियंट का चेक लगा देगा तो ये आपके पास इस तरह का पैनल खुल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, मैंने देखिए पहले मुझे जिस पे ग्रेडियंट पिक करना है मैं उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ग्रेडियंट पिक सिर्फ जाके यहाँ पर ये ग्रे स्केल जो है मैं सिर्फ इधर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे में ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। अच्छा ग्रेडियंट क्या है पहले ज़रा से समझ लें। ग्रेडियंट एक किस्म का कलर का ब्लेंड है, मतलब एक कलर जाते जाते दूसरे कलर में स्विच हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए वाइट है, ये जाते जाते ग्रे हुआ, मतलब जाते जाते ये ब्लैक में जाता है। अब यहाँ पर अगर आप स्लाइडर में देखें तो ये एक हमने वाइट कलर पिक किया हुआ और एक इसके एंड पर हमने ब्लैक कलर पिक किया हुआ, तो ये देखें वाइट जाते जाते ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कहते हैं ब्लेंड। मतलब एक कलर का दूसरे कलर से मिलना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दो ही कलर हो तो वो ब्लेंड कलर, इस तरह मुख्तलिफ हो तो वो भी ब्लेंड कहलाते हैं। अच्छा अब बात करते हैं इसके ज़रा स्लाइडर के बारे में। अगर मैं स्लाइडर मैं पहले मुझे देखें अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे कर रहे हैं, मतलब देखें हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। अब देखिए सिलेक्ट हो गया और मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा तो देखें आप चेंजिंग आ रही है। तो देखें स्लाइडर जो है हमारा, इससे हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना कलर कितना स्प्रेड होना चाहिए और कितना कलर नहीं। जैसे मैं चाहता हूँ पूरा वाइट हो, लास्ट में सिर्फ ब्लैक हो, तो मैं ऊपर वाले स्लाइडर को पकड़ के बिल्कुल उसके कोने पर ले आऊँगा। तो आप देखें यहाँ से पूरा वाइट हो गया और आगे देखिए ब्लैक। सिमिलर आप इसके साथ ब्लैक के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिया तो ऐसा हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी तो ये सेम वही है स्लाइडर, इससे भी आप कम ज़्यादा करने पर इसमें क्या है क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब आपको स्केल ज़्यादा मिलेगा इसमें कि आप इस तरह कर सकते हैं। और देखें एक चीज़ ये याद रखिएगा, जो हमारा ये स्केल है इसका ग्रेडियंट का,
तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ दो ही कलर चले हैं, मल्टीपल आप जितने चाहें इसमें डाल सकते हैं। अभी अगर आप मेरे माउस की कर्सर को देखें तो यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, अगर मैं सिर्फ सिंपल इस पर जाके क्लिक करूँ तो देखें एक स्लाइडर और ऐड हो गया। इसी तरह मैं जितने चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जितने चाहें आप इसमें कर सकते हैं और मिनिमम दो ही स्लाइडर रहेंगे। अच्छा, अब आपने इतने सारे स्लाइडर ऐड कर लिया, अब इसको कम कैसे करना है? सिंपल है, आप इस स्लाइडर को पकड़ें और उसको क्लिक करके नीचे खींच दें तो ये हट जाएगा। और जब आपको ऐड करना हो तो सिंपल से आप इस पर क्लिक करें तो ये ऐड हो जाएंगे। अब अच्छा, इसमें कलर पिक करना है तो कलर पिक कैसे करना है? आपने आपने सिंपल स्लाइडर को सिलेक्ट करना है, इस बॉक्स को यहाँ से आप ये कलर ले लें, आपने पकड़ के लाना है और इस पर ला कर छोड़ देना है तो ये देखें पिक हो गया। इसी तरह आप डायरेक्ट करेंगे ना ऐसे करके तब भी हो जाना है इसमें। इस तरह आप देखें, ये मैंने इसको एक मज़दा बना लिया कोस्टर, क्योंकि कोस्टर में ऐसे ही कलर होते हैं। तो फिलहाल ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा कि आप मल्टीपल इस तरह गंदे से कलर बना सकते हैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। अब आप इनको हटाना है आपने तो आप इस पर सिर्फ नीचे इसको खींच लें और ये हट जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब ये चीज़ देखें, इसी के नीचे लिखा हुआ है ओपेसिटी। अब ये कितना होना चाहिए? अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और उसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 40, तो ये देखें ये वाला कलर हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया और ये वाला हमारा 100% है, मतलब ये विजिबल है, ये अनविजिबल है। तो अगर मैं इसको, अगर जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके 90 पे करूँ तो ये देखें वापस आ गया। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप जो है ओपेसिटी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, और एक और तरीके का हमारा ग्रेडियंट होता है। देखें अभी हम काम जो कर रहे हैं टाइप किस पे है हमारा, लीनियर में। अगर मैं एक सर्कल लूँ और यहाँ ड्रैग करूँ, अभी देखें हमारा स्लाइडर जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। मैं जैसे चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो बीच से निकले, मतलब यहाँ से निकले और यहाँ पर स्प्रेड हो, मतलब एक बॉल की तरह। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने ग्रेडियंट उसमें डालना है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा टाइप। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे रेडियल, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ऑब्जेक्ट वो इस तरह से लग, मतलब ग्रेडियंट जो है वो हमारे रेडियल में कन्वर्ट हो चुका है। रेडियल में क्या होता है कि एक कलर, मतलब हमारा यहाँ पे देखें एक कलर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पर यहाँ पे क्या हुआ ये बीच से स्टार्ट होकर ऊपर ख़त्म हो रहा है। इसको मैं एडजस्ट करना चाहूँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। अगर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें ग्रेडियंट टूल के नाम से एक टूल है, अगर आप उसको सिलेक्ट करें तो ये देखिए स्लाइडर आ गया एक, ये स्लाइडर ठीक यही वाला स्लाइडर है जो हमें यहाँ शो कर रहा है, वो स्लाइडर हमें अब यहाँ कर रहा है। आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखें, और इधर भी देखें, इधर भी वही चेंजिंग आ रही है जो हम यहाँ चेंजिंग कर रहे हैं। तो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसको छेड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर मैं इसको बड़ा करूँ और मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियंट अभी देखें लेफ्ट साइड से आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये टॉप टू बॉटम है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और ये हमारा ग्रेडियंट टूल लेना, उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं इसको ऊपर करूँ तो ये देखें हमारा ऊपर चला गया। अगर आपको इसको उलट करना हो तो सिंपल है, यहाँ पर देखें आपको रिवर्स लिखा हुआ होगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये उल्टा हो जाएगा। और सिमिलर तरह आप उसको जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप चाहें तो यहाँ से स्लाइडर पकड़ के भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहेगा कि आप जो है ना इसको यहाँ से इन्वर्ट किया करें, इसी तरह आप स्लाइडर को यहाँ से लेकर आ जाएं या यहाँ से आपको थोड़ा क्रॉस होना है तो आप ऐसे लिया इस तरह लिया। अच्छा, यहाँ पर इधर जो है वो थोड़ा सा अलग काम कर रहा है तो मैं वो भी समझा दूँ। हमने ये सिलेक्ट किया शेप ये, अच्छा यहाँ पर देखें कि हमें सर्कल बना हुआ आ रहा है, तो ये क्या है कि सेम वो ये सिर्फ हमें कलर स्प्रेड का बता रहा है। अगर मैं इधर क्लिक करूँ, इधर लेके जाऊँ तो इससे मैं कम कर सकता हूँ। अगर मैं इसे कम करूँ तो ये देखें हमारा कलर इतना स्प्रेड हुआ हुआ है, और बाकी देखें पीछे, और देखें इस साइड पर जो है ये रोटेट के लिए, मतलब ये कितना कम होगा,
इस तरह कर लें और इस साइड से हम उसको रोटेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप वापस से बड़ा कर लें उसका, इससे रिसाइज कर लें इसको जितना आपने रखना है। ठीक, ये हमारे दो तरीके के ग्रेडियन हैं, रेडियल और लीनियर। अच्छा, आज के दिन जो है क्लास यहीं रोकते हैं और आज कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं है। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा उसमें ये होगा कि जितना हमने टूल अभी तक सीखे हैं, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मतलब जो जो हम सीख चुके हैं, हम वो देखेंगे कि उसकी मदद से हम क्या क्या आर्ट बना सकते हैं। तो समझ लें एक तरीके का आपका रिविजन क्लास होगी जिसके अंदर हम उन्हीं टूल से लेके कुछ बनाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई चीज़ बनाऊँ तो आप लोग कमेंट पे लाजमी मुझे बता रहेगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा और वही चीज़ें यूज़ करूंगा जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी नहीं होगा, तो ईजिली आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा क्या, इससे ये कि आपकी ग्रिप अच्छी होगी मजीद टूल्स पर और आपको अच्छे से समझ आएगा। सब्जी वाले आप तो तंग करते हैं, अब ये रात में ये मच्छरों ने जीना आराम किया हूँ, कब से काट रहे कानों के पास अपनी बाइक ही घुमा रहे मेरे। चलें फिर अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।